गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाइए जल्दी से। आप सभी की क्लास का समय हो चुका है और सुबह के 5 बज चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह 5 बजे आपकी क्लास होती है जीरो लेवल बेसिक मैथ। जीरो लेवल का मतलब एकदम शुरू से लेकर के और आप कुछ कर सकें वहाँ तक, मतलब क्लास 8 तक। NCERT मैथ होती है, सभी राज्य के सभी छात्र छात्राओं के लिए मान्य होती है। और उनके बुक में देखेंगे, चाहे CBSE बोर्ड है या UP बोर्ड है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। हम लोग देख रहे थे आय ऊपर आधारित बड़े बड़े सवाल। जैसे अगर आप कंपटीशन में बैठेंगे तो उसमें आपको आय वाले सवाल मिलते हैं, काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जितना ही मजबूत बेस होता है उतना ही टिकाऊ मंजिल होती है। तो फिर बेस को मजबूत कर लेते हैं। राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। कुछ समझ में आया? राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। मतलब अगर राधे 1 साल की है तो उसका पिता कितने साल का है? 7 साल का है। कुछ लोग सोच रहे होंगे, राधे 7 साल की, उसका पिता 1 साल का है। ऐसा आप सोचिए, कभी हो सकता है कि पिता 1 साल का हो और उसका लड़का 7 साल का हो? तो ऐसा होगा ही नहीं। इसका मतलब राधे 1 साल की है, पिता कितने साल के हैं? पिताजी 7 साल के हैं। आगे क्या होता है? कह रहा कि 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी। आज से 1 साल पहले पिता की आयु जो थी वो राधे की आयु की 9 गुनी थी। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। पहले सवाल समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो सब कुछ होगा आगे। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले लाइनें जो आपको सुनाते हैं, हुनर तो हर किसी में होता है, हुनर तो हर किसी में होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। तो कुछ ऐसा करिए कि छिपे ना छप जाए, जिससे आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें और करें कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। तो कुछ अच्छा करिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है ना। चलिए, मैथ में मानना बहुत बड़ी बात होती है। जो नहीं दिया उसको हम मान लेंगे और मानने के बाद उसको दिखाएंगे भी कि हाँ ये इतना आया है। चलिए लिखिए, माना। किसकी मानेंगे? पहले राधे और उनके पिता की बात हो रही, तो पहले हमारी जो आयु ये निर्भर है किस पे है? राधे की आयु पिता पर या पिता की आयु राधे पर? पहले क्या करेंगे? पहले मानेंगे राधे की पिता की आयु, ठीक है? क्या मानेंगे? राधे के पिता की आयु, क्योंकि पिता की आयु पर ही क्या निर्भर है? राधे की आयु निर्भर है। लिखिए, राधे के पिता की आयु, ये दो चर राशि में समीकरण बन रहा है। तो क्या करोगे आप? दो चर राशि में रखी समीकरण आपका बन रहा है तो आप x और y दोनों में मानोगे अलग अलग, पिता की आयु x। अब क्या होगी? इसके आगे आप माना लिख दीजिए, माना राधे के पिता की आयु। दूसरी लाइन में माना राधे की आयु, या इसको आप वर्तमान आयु भी लिख दीजिए, तब भी सही रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना हो जाएगा? y वर्ष। लेकिन ये तो अभी हमने कुछ नहीं किया, केवल माना है जो करना था। अब क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट होता है। कंडीशन पे आ जाइए, यहाँ पर दो शर्तें दी गई हैं। वो क्या है? पहली शर्त है कि इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। किसकी? राधे की आयु जो है, राधे के पिता की आयु जो है, वो राधे की आयु की क्या है? 7 गुनी है। तो पहली शर्त के अनुसार आप लिखिए या फिर लिखिए प्रश्नानुसार, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कम दिख रहा है क्वेश्चन का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम ऊपर आपको हल करके दिखाते हैं, क्योंकि जगह कम है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नीचे जब तक जगह है तब तक करते हैं। देखिए, अब क्या करोगे आप? लिखोगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? एक्स इक्वल 7y। क्यों किया हमने? क्योंकि राधे जो है, राधे के पिता जो हैं, वो राधे के 7 गुना आयु के बराबर हैं इस समय। बात समझ में आई ना? तो ये राधे की आयु थी वाई, तो वाई का क्या कर दिया? 7 गुना कर दिया। मतलब कि राधे को 7 गुना अगर कर दें उनकी आयु बढ़ा के, तब भी राधे के पिता क्या हैं? अकेले ही उनके बराबर हैं। तो ये हो गया। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? x माइनस 7y इक्वल 0। ये बन गया समीकरण नंबर 1। कुल मिलाकर के करिए चाहे जो कुछ, जान लीजिए समीकरण 2 बनाना है, मतलब 2 समीकरण बनाना है बस इसमें, ठीक। ये हो गया। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम मिटाएंगे ज़रूर इसको,
ठीक ना, चलें फिर। चलिए ठीक है, तो बताइएगा कमेंट करके, अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा निसंकोच। चलिए आप क्या करेंगे, आयु जो हमने माना है वो आप याद रखिएगा, समीकरण याद रखिएगा, नीचे हमने समीकरण लिखा है, अब क्वेश्चन से नहीं मतलब है, क्वेश्चन आप समझ गए हो और देख भी लिया आपने क्वेश्चन, वीडियो को पीछे करके देखिएगा, सब समझ में आएगा, और नहीं तो आप लिख लीजिए क्वेश्चन को कॉपी में लिख के, तब समझिए। ये समीकरण एक बना है, अब लिखिए पुनः प्रश्नानुसार या फिर दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या थी, एक वर्ष पहले, क्या था एक वर्ष पहले, एक वर्ष पहले क्या था कि जो राधे की आयु थी वो पिता की आयु से 9 गुनी कम थी, या फिर ऐसे कहें कि एक वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी, तो क्या करोगे अब आप, अब लिखोगे एक वर्ष पहले, एक वर्ष पहले पिता की आयु, पिता की आयु। अब बताइए अगर कोई आज 8 साल का है तो एक वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा, 8 माइनस 1 साल ना, तो पिताजी कितने साल के रहे होंगे, यक्स माइनस 1 वर्ष, सही है ना। और फिर आगे दूसरा मान लीजिए, किसका, राधे की आयु, एक वर्ष पहले राधे की आयु कितनी रही होगी, यहाँ पर लिखिए एक वर्ष पहले राधे की आयु, अगर आज वाई साल की है राधे जी तो फिर ये 1 साल पहले वाई माइनस 1 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा था कि एक वर्ष पहले राधे के पिता की आयु उसकी आयु की 9 गुनी थी, इसका मतलब क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे, किसमें, राधे की आयु में 9 से गुणा कर देंगे और ये बराबर हो जाएगा इतना के, बस यही करके समीकरण बना लेना है, दोनों इक्वेशन से वाई और एक्स के मान निकल जाएंगे, वही उत्तर हो जाएगा। मेन होता है सवाल को समझना और इक्वेशन बनाना, उसके बाद तो आप इक्वेशन लगाना सीख चुके हो, है ना। चलिए अब ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, ये 9y माइनस 9 कैसे आया आप जानते हो, मल्टीपल के अंदर में एक्स माइनस 9y इधर आया पक्षांतर करके, तो ये माइनस में हो गया, उधर था क्या, प्लस में था, माइनस 9 माइनस में है, इसको ऐसे लिख देना है, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे भी है वैसे लिख देना है, ठीक। ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, एक्स माइनस 9y इक्वल माइनस का 8, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब आपको जो 2 इक्वेशन मिले हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, इनको हल कर लेना है, हल करके एक्स और वाई के मान निकालना है बस। और अगर आप ध्यान से देखिए तो एक्स एक्स के गुणांक दोनों समीकरण में बराबर हैं, अगर दोनों के गुणांक बराबर हैं तो अब आप इसको आसानी से हल भी कर सकते हो, है ना। लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 1 है एक्स माइनस 7y बराबर 0, एक्स माइनस 9y बराबर माइनस 8। चलिए ऐसा कुछ करिए कि एक जो अज्ञात राशि है वो कट जाए, गायब हो जाए और दूसरे का मान आ जाए, तो एक ही उपाय है, जिसके गुणांक बराबर हैं, जिसके कोफिशियंट इक्वल हैं वही कटेगा, है ना। लोहा लोहा से टकराता है तो चिंगारी निकलती है ना, जानते हो ना। तो क्या होगा, ये अगर जोड़ लेंगे तो नहीं कटेगा, जोड़ लेंगे तो 2x हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा तो 16y हो जाएगा, x भी रहेगा y भी रहेगा तो काम नहीं चलेगा, दोनों में से एक ही को बचाना है, तो घटाने पर, और जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, इसको आप शुरू से सीखते आए हो, कक्षा 3 से बता रहा हूँ। ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस घटेगा तो 2y इक्वल, देखिए यहाँ चिन्ह प्लस हो चुका है 8, यानी कि y का मान 4 आ गया। अब आपका ये सवाल नहीं होना चाहिए कि y का मान 4 कहाँ से आया, कहाँ से गिर गया, ये जानते हो ना। अगर आप शुरू से क्लास को देखते आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे तो ये 44 नंबर क्लास है, आप इसके पहले की सारी क्लास को देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इधर दिख रहा है आप सभी को, अब क्या करेंगे, लिखिए y का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, बताइए किस में रखें, कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट करने में शर्माते हैं ना, इसलिए हम नहीं पूछते जल्दी से, चलिए हम खुद ही रख देते हैं। समीकरण 1 आसान लग रहा है, छोटा सा है इसलिए हल करना आसान होगा,
वाई का मान चार आया है, तो यक्स माइनस ये 7 × 4 = 0, यक्स माइनस 28 = 0, यक्स बराबर 28। ये यक्स और वाई क्या है हमने माना था, याद करिए पीछे अगर आपने लिखा था तो, माना राधे की पिता की आयु बराबर यक्स वर्ष और राधे की आयु वाई वर्ष, यही माना था ना। अब नीचे आप लिख सकते हो, अतः राधे की पिता की आयु एक्स बराबर 28 वर्ष। दूसरी लाइन में लिख लेना, राधे की आयु वाई बराबर 4 वर्ष, बस हो गया। ये लाइन लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, अगर इच्छा होगी तो लिख लेना, नहीं मत लिखना, ठीक ना। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत जल्दी से, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, बिल्कुल देर नहीं करिए, क्लास को पूरा देखेंगे तो समझाने की गारंटी होगी। दूसरा सवाल आपके सामने आ चुका है, ये भी वैसे ही कुछ है, बस समझने का ही थोड़ा अंतर है। मीरा और रीता यहाँ पर दो नाम हैं और उन दोनों में कुछ रिलेशन दिया गया है, वो भी आयु यानी कि एज अर्थात उम्र को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, गौर से समझिएगा क्या है कैसे। मीरा की आयु इस समय की, इस समय रीता की आयु की 4/5 है। मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। इसमें कुछ लोगों को तो कुछ ना समझ में आया होगा, है ना। चलिए ठीक है, टेंशन मत लीजिए, कुछ तो आया, 2-4% तो आया, अभी पूरा आएगा। देखिए इसमें किसकी आयु किस पर निर्भर है, जैसे कह रहा है कि मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। किसकी है, रीता की आयु की 4/5 है, यानी पहले हमें रीता की आयु निकालनी होगी। बात समझ रहे हैं ना, जैसे कहा जाए कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, या फिर कोई एक लड़का कहीं मिलता है रास्ते में, उसके बारे में पुलिस को जांच करनी है कि ये कौन है, तो वो लड़का कहता है कि मैं राहुल का भाई हूँ। बात समझ रहे हैं ना, तो आप पहले राहुल के बारे में पड़ताल होगी कि आखिर राहुल कौन है, तभी तो पता चलेगा ना कि किसका भाई है। बात समझ गए ना, तो जो लड़का मिला वो किस पे निर्भर है, राहुल पे, इसलिए पहले राहुल के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो जानेंगे कि किसका भाई है, ये राहुल कौन है। तो वैसे क्या करेंगे, पहले हम रीता की आयु मानेंगे। लिखिए हल में, लिखिए माना रीता की आयु बराबर क्या होगा, यक्ष वर्ष। अब रीता की आयु आ गई तो मीरा की खुद ही आ जाएगी, नीचे लिखो मीरा की आयु कह रहा है कि 4/5 है ना, तो क्या हो जाएगा, या फिर आप इसको एक काम कर सकते हो, ऐसे भी अभी कुछ मत करो, कंडीशन मत लगाओ, पहले मीरा की आयु और रीता की आयु को मान लेते हैं, ये यक्ष वर्ष और वाई वर्ष हो गया, ठीक ना, इतना सही है। अब कंडीशन पे चलेंगे बाद में, क्योंकि दोनों की आयु निकालना है ना, इस समय दोनों की वर्तमान आयु निकालना है, तो पहले हम दोनों की कुछ मान लें। हमने मान लिया कि एक की एक्स है, दूसरे की वाई है। अब आप नीचे लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या है वही जो आप समझ रहे हो, यक्स इक्वल, यक्स नहीं वाई इक्वल, क्योंकि वाई जो है मीरा की आयु है, मीरा की आयु बराबर 4/5 × रीता की आयु, यही सवाल है आपका मेन। इससे आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा, और वो क्या बनेगा, 5y = 4x, यानी कि फाइनल में आप इसको बोल सकते हो कि 4x - 5y = 0। कैसे होगा इसको आप समझ गए होंगे, 4x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे फिर माइनस में हो जाएगा, शुरू में माइनस रहेगा इसलिए -1 से गुणा करेंगे और फिर ये इतना बनेगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सब समझ में आएगा। आगे क्या करेंगे गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा, ये समीकरण फर्स्ट बन गया, समीकरण एक बन चुका है, समीकरण दूसरा हम बनाएंगे, कैसे चलेंगे, क्वेश्चन आप नोट कर लिए है ना, नहीं तो वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए सवाल क्या था, हमारे सामने तो नहीं है लेकिन हमें पता है क्या था। उसके आगे क्या था, कह रहा कि 4 वर्ष पहले क्या था, कुछ कंडीशन थी कि जो मीरा की आयु है वो क्या थी, रीता की आयु की 3/4 ऐसे कुछ था ना, तो लिखिए 4 वर्ष पहले रीता की आयु, अभी आप लोग सीख चुके हो पहले सवाल में। अगर कोई लड़का या लड़की आज 18 साल की है या है, तो
वो 4 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा या रही होगी? आप समझ गए होंगे, 4 वर्ष पहले मतलब 14 साल की ना, तो 14 साल का मतलब कैसे आएगा 14 साल? भाई जितना आज है उसमें से 4 घटाओगे तभी तो आएगा ना। तो आज अगर आपने रीता की आयु एक्स माना था, मेरा की आयु वाई माना था, तो 4 वर्ष पहले रीता की आयु एक्स माइनस 4 ये रहा होगा ना। उसी तरह से 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, 4 वर्ष पहले मीरा की आयु वाई माइनस ये 4 वर्ष, इतना नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं फटाफट, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस देखते रहना, ठीक ना। मीरा की आयु और रीता की आयु आ गया। अब लिखिए पुनः प्रश्नानुसार, चाहे लिखिए पुनः प्रश्नानुसार या फिर लिखिए दूसरी शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, ऐसे कुछ बोलते हैं ना इंग्लिश में। चलिए पहला समीकरण बना है, इसको याद रखना बस। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मीरा की आयु जो है वो रीता की आयु की 3/4 थी। मतलब मीरा की आयु वाई माइनस 4 जो है वो रीता के आयु की क्या थी? 3/4 थी। बस हो गया, एक्स और वाई के मान निकालोगे आप दूसरा इक्वेशन बना करके। चलिए इससे आपका दूसरा समीकरण आ जाएगा, वो क्या होगा? वाई माइनस 4 × 4 = 3 × x − 4। कैसे हुआ जानते हो ना? इसका तिरछा गुणा हुआ, आता है ना? कैलकुलेशन नहीं आता तो कक्षा 5, 4, 3 की क्लास देखिए, कमेंट करके बताइए, दिए गए नंबर पे संपर्क करके क्लास को ज्वाइन करिए, शुरू से सिखाएंगे, एकदम जीरो से हीरो बनाएंगे, बस क्लास में जुड़े रहिए। ये 3x − 12, अब क्या होगा ध्यान देना, इसको इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, या फिर आप उसको उधर रहने दो, कुछ भी कर सकते हो, ये हो जाएगा माइनस का 3x + 4y और बराबर ये हो जाएगा माइनस का 12 × 16, है ना मित्रों? देखिए ये माइनस का 3x + 4y बराबर आ जाएगा, घटाओगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, मतलब माइनस 3x + 4y बराबर क्या आ गया? 4। लेकिन शुरू में माइनस लगना अच्छा नहीं है, इसको क्या करते हैं हम, हल करने में भी आपको गड़बड़ हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, इसको आप प्लस बना लोगे, ठीक ना, या फिर नहीं बनाओगे तब भी कोई फ़र्क ना पड़ेगा, लेकिन प्लस बना लेते हैं, अच्छा रहेगा, आगे चल के हल करने में आसानी होगी। तो माइनस एक से दोनों तरफ गुणा कर दोगे तो क्या बनेगा? एक नया इक्वेशन बनेगा, वो हो जाएगा 3x − 4y = −4। ये बन गया समीकरण नंबर 2। इतना लिख लीजिए, दूसरा समीकरण ये नीचे मैंने लिखा है जो पहले आया था, ये नीचे, इसको याद रखना। अब इन दोनों समीकरण से हल करोगे, एक्स और वाई के मान आ जाएंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से चलते हैं, सुपर फास्ट, बस देखते रहिएगा, क्लास को बीच में स्किप मत करिएगा, छोड़िएगा नहीं। चलिए अब इधर लिखिए समीकरण एक तथा समीकरण दो से। समीकरण एक है 4x − 5y = 0, समीकरण दो है 3x − 4y = −4। इसको क्या करना है? हल करना है, किसी भी तरह से करके बराबर करना है, एक पद को काटना है, दूसरे को लाना है। तो मित्रों समीकरण एक में अगर हम गुणा कर दें किससे? 3 से, और समीकरण दो में 4 से, तब ये बराबर होगा। लिखो समीकरण एक में 3 से तथा समीकरण दो में 4 से गुणा करने पर। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि एक्स के गुणांक बराबर हो जाएंगे तो आप जोड़ घटा के काट सकते हो। हम कैसे जाने कि एक में 3 से गुणा करेंगे? क्योंकि समीकरण दो में जो एक्स का गुणांक है उससे समीकरण एक में करोगे, और समीकरण एक में जो एक्स का गुणांक है उससे दो में करोगे, ऐसे ही करते हैं तो बराबर हो जाते हैं गुणांक, ठीक ना। इसको आप लिख लिए होंगे, तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। समीकरण जो आए हैं हमने ऊपर लिख लिया है, आप देख चुके हो, इसमें कोई किसी का कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना, मज़ा आ रही ना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब कुछ आएगा। एक्स और वाई के मान आ जाएं
बस आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। चलिए, जब हम एक में तीन से गुणा करेंगे तो जानते हो 3 चौक 12 और 3 5 15, ये हो जाएगा 12x-15y=0, क्योंकि 3 का गुणा 0 में करोगे दूसरी साइड तो 0 ही आएगा। इसमें 4 से करोगे तो 4×3 12x-4×16y=4×5 20, क्यों? क्योंकि दूसरे समीकरण में हमने क्या किया है, 4 से किया है ना, तो भाई 4×4 में करोगे तो 16 आएगा। ये हुई ना बात, हल कर लीजिए। दोनों ही क्वेश्चन बराबर हो गए हैं, मतलब उनके जो यक्स वाले गुणांक हैं वो बराबर हो गए हैं। इनको जब आप घटाओगे समीकरण 1 तथा 2 से, ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस घटेगा, तो ये y=16 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 था, क्या था यार समीकरण नंबर 1, पता है ना आपको कितना था? एक मिनट में देख लेता हूँ, आप तो लिखे होगे ना, जल्दी बताओ कमेंट करके, क्या था? 4x-5y=0 लिखिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आप लिख लोगे, वो क्या है, 4x-5y=0। फिर क्या करोगे, 4x-5y=16=0, तो ये 4x-80=0। यक्स बराबर 80/4 काटोगे तो 20, मतलब यक्स बराबर कितना आ गया, 20 आ गया है ना, वाई का मान आपका 16 आ गया। तो यानी कि एक रीता की आयु कितनी थी, रीता की आयु 20 वर्ष थी और मीरा की आयु 16 वर्ष थी, यही तो माना था ना शुरू में, यक्स और वाई माना था ना, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो अभी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जल्दी से लिख लीजिए। अब नीचे आप चाहो तो 2 लाइन लिख लेना, अतः रीता की आयु एक्स बराबर 20 वर्ष, दूसरी लाइन में मीरा की आयु वाई बराबर 16 वर्ष, ये हो गया उत्तर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर अभी तक PBR स्टडी इलाहाबाद को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया PBR स्टडी के Facebook पेज को तुरंत लाइक करके फॉलो करें, जिससे आपको सभी फ्री की क्लास मिल सकें। चलिए आगे, अगला सवाल, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है तो एक त्रिभुज पर आधारित है, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा कि एक त्रिभुज के 2 कोण जिनमें अनुपात दिया है 5 और 4 का, रेशियो दिया है, एक त्रिभुज के 2 एंगल का रेशियो है 5 और 4, यदि इनमें से एक कोण अर्थात एंगल दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक हो तो उनके कोण ज्ञात कीजिए। मतलब 2 ही कोण निकालना है, तीनों से नहीं मतलब है, लेकिन इसमें और भी कुछ दिया है लग रहा है, ऐसा नहीं दिया है, चलिए ठीक है, इसमें जो दिया था हमने उसको लिख लिया, बाकी इसमें और कुछ नहीं दिया है। चलिए, 2 कोण की बात हो रही है तो हम लिखेंगे हल। माना त्रिभुज का पहला कोण बराबर क्या है, 1 डिग्री, और दूसरा कोण उसी के जस्ट नीचे लिखोगे, दूसरा कोण इक्वल y डिग्री, ठीक ना, एक यक्स है एक क्या है y डिग्री है। अब कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन में कह रहा है कि यदि एक कोण जो है वो दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है, ये तो ठीक है, उसके पहले कंडीशन है कि इन दोनों में अनुपात दिया है 5 और 4 का, तो अब आप लिखोगे नीचे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब ऐसे तो बोलेंगे ना, तो क्या करोगे, ध्यान देना, x/y = 5/4, बस यही हो गया आपका, पहला कंडीशन पूरी हो गई। इस तरह से आप इसको करोगे तो ये 4x = 5y आएगा, ठीक ना, 4x = 5y, मतलब कि यहाँ पर आप लिख लो
फोर एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल जीरो, ये समीकरण नंबर एक बन गया। क्या बन गया? नंबर पहला आपका इक्वेशन बन गया, दूसरी शर्त से आप दूसरा इक्वेशन बना लोगे और फिर आपका उत्तर आ गया। क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट लेकर के, तो हम आगे चले मिटा के इसको, ठीक ना। चलिए दूसरी कंडीशन से अब हम लोग आगे इसको पूरा करेंगे क्वेश्चन को। लिखिए दूसरी शर्त के अनुसार, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पुनः प्रश्नानुसार, दोनों में से कोई एक लिखना है। चलिए लिखते हैं सेकेंड शर्त के अनुसार। देखिए बात को सुनिएगा, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं इससे नहीं मतलब है, सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। दूसरी शर्त के अनुसार क्या कहता है कि एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है, तो भाई सिंपल सी बात है यक्स इक्वल वाई प्लस 10 हो जाएगा, यही तो बोल रहा था ना, यानी कि यक्स माइनस वाई इक्वल 10, ये हो गया समीकरण नंबर दो। समीकरण एक और समीकरण दो को हल करके x और y के मान निकाल लीजिए, आपका उत्तर आ गया। क्या करोगे? इसमें x का गुणांक 4 है, इसमें x का गुणांक 1 है, इसमें y का गुणांक माइनस 1 है, इसमें y का गुणांक माइनस 5 है। यहाँ पे मुसीबत ये है कि ना इसमें गुणांक x में बराबर है ना y में बराबर है, तो क्या करेंगे? चीज़ें अगर आपके लिए सुटेबल नहीं है तो उन्हें सुटेबल बनाना पड़ता है ना। तो अब लिखिए, इसको आप नोट कर ली हो तो हम मिटा दें, ठीक है मिटा दें। चलिए केवल समीकरण को छोड़ करके मिटा दे रहे हैं, आप वीडियो को पीछे करके इसको लिख लीजिए, इतना आप समझदार हैं, अभी बच्चे नहीं हैं, है ना। चलिए समीकरण एक में चार से गुणा करने पर क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि एक्स और वाई में से कोई भी जो है दोनों समीकरण में एक बराबर हो जाए, जिससे कट जाए। तो चार से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा चार एक्स माइनस चार वाई बराबर 40। और दूसरा समीकरण ऑलरेडी ऐसे ही कुछ दिया है, ये समीकरण नंबर दो है। समीकरण एक और दो को घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, जानते हो, ये कट जाएगा, ये घंट के वाई बराबर का आएगा 40, यानी कि दूसरा कोण कितना आ गया आपका 40 डिग्री, है ना, 40 अंश आ गया। अब क्या करोगे? y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखोगे तो क्या हो जाएगा? चलिए रख देते हैं, समीकरण एक क्या है, समीकरण एक बहुत आसान था, एकदम प्यारा सा था, x माइनस वाई बराबर 10। तो y का मान आया है 40 बराबर 10, तो y बराबर 10 प्लस 40, y बराबर कितना आ गया 50। अब आप लिख सकते हो, आता है त्रिभुज का पहला कोण x बराबर 40 डिग्री तथा दूसरा कोण y बराबर कितना हो गया 50 डिग्री, है ना। मतलब आप समझ गए होंगे x और y का। एक मिनट देखिए दोस्तों, यहाँ पर सॉरी इसके लिए, आप समझ रहे हो ना बात को, हमने y की जगह पे मान रखा है ना, तो ये x ही रहेगा, मतलब x ही तो छूट रहा था ना। अब भाई दोनों x का मान तो आएगा नहीं, एक x का होगा एक y का होगा, तो x का 50 y का 40, ठीक ना, y की जगह पर तो मान रख दिया गया है, तो फिर y क्यों आएगा, नहीं आएगा ना। चलिए आगे देखिए साथियों, दूसरा सवाल जो दिया है इसको बहुत जल्दी हम हल करेंगे, ध्यान से देखना। कह रहा कि त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए, त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए यदि कोण A x अंश, कोण B 3x अंश और कोण सी जो है वाई अंश है, तो सभी कोणों को निकालिए। और इसमें एक और भी इक्वेशन दिया है पहले से, 3y माइनस 5x बराबर 30। चलिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कर देंगे 180। और कोण ए का मान x है, बी का मान 3x और सी का मान क्या है वाई बराबर 180। यहाँ पर आपको मिलेगा 4x धन y बराबर 180, ये समीकरण नंबर का बन जाएगा, पहला बन जाएगा, ठीक ना, इतना ठीक है। अब क्या करोगे, आगे देखते जाना, अभी बहुत कुछ बचा है। दूसरा समीकरण पहले ही दिया है, ये दिया था, ये 3y माइनस 5x बराबर क्या है 30 है, लेकिन ये y पहले दिया है, x बाद में दिया है, इसको आप सीधा कर लोगे, सीधा करोगे तो क्या होगा पता है ना आपको, ये हो जाएगा साथियों आपका
चार एक्स प्लस वाई इक्वल 180, और ये सीधा होगा, आप जानते हो माइनस पाँच एक्स है, अगर माइनस एक से पूरे में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा प्लस का 5x माइनस 3y और इक्वल माइनस का 30। ये बात समझ में आई ना? ठीक है, अब हमें x को या y को किसी एक को बराबर करना है। समीकरण एक में 3 से गुणा कर दें तो ये y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। चलिए कर देते हैं 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12x प्लस 3y बराबर 18 3 54, यानी कि 540। ये समीकरण एक जो है क्या बन गया भाई, ये एक था ये दो था, गुणा कर दिए तो 3 बन गया। ठीक है, 3 बन गया, और ये जो दूसरा वाला है उसको ऐसे उतार लो बिना किसी चेंजिंग के, दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए सीधा सीधा, कोई चेंजिंग नहीं करना। जोड़ दोगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा क्योंकि चिन्ह नहीं बदलना है, और ये प्लस माइनस घट जाएगा, घटेगा तो 510 आएगा। x बराबर 510 बटा 17, 17 3 51, x बराबर 30 डिग्री, है ना। x का मान कितना आ गया, 30 आ गया। चलिए x का मान समीकरण दो में रख दीजिए, y का मान आ गया, बस यही तो आपका आंसर था ना। चलिए ठीक है, ओके कर लेते हैं, फिर इसको नोट कर लीजिए। कर लिए नोट, वीडियो को रोक करके लिखिए जल्दी से, टाइम की कमी के कारण हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे। क्या लिखोगे, y के मान यहाँ पर लिखिए, y नहीं x, x के मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक मिला करके रख दिया, ये y का मान 60 अंश आ गया। अब लिख दो, अतः पहला कोण x बराबर 30 अंश, x बराबर 30 अंश, तथा दूसरा कोण y बराबर 60 अंश। कैसे लिखिए आपको ये क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी थोड़ी देर बाद अगली क्लास देखना, तब तक के लिए जय हिंद। और अगली क्लास का समय होगा आपका सुबह 6 बजे, फिर 6:30 बजे, ठीक है ना। तो चलते हैं, अगर कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट करना और पूछ लेना, ऊपर नंबर दिया गया है। अगर पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, फ्री में देखते रहें। PBR स्टडी ग्रुप, PBR स्टडी इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें और देखते रहें।